गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज 1 नवंबर और सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नहा के दोस्तों रेडी हो गए, थोड़ा लेट ना आया क्योंकि ऑफिस का काम कर रहा था, तो नहा के रेडी हो गया हूँ। अब खाना खाऊंगा, फिर ऑफिस का काम करूंगा। और आज थोड़ा शर्ट पहन ली क्योंकि दिवाली है और शाम को तो चेंज करेंगे। और अभी क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है घर में, माला सजावट सब हो रही है, तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अपन की तैयारी हो रही है। तो सबसे ये देखिए, लाल मिट्टी के और चावल के हमारे पहाड़ों में यही अपन बनते हैं। और बाकी ये वाले अपन तो रहते हैं चिपकाने वाले और ये पेंटिंग वाले, लेकिन सब इन्हीं को माना जाता है। तो मैया ने अभी ये इसको सुखाने के लिए कर दिया है। फिर जैसे ही होगा, अभी चावल को पीस के बनाया तो उससे पैर बनाएंगे माता के। तो कहीं कहीं दोस्तों हम ये चिपका रहे हैं क्योंकि सारी जगह वैसे अपन तो बना नहीं सकते, लेकिन सूप उसी को माना जाता है तो इसलिए एंट्री में उसी को बना रहे हैं। अभी वो सूख रहे हैं, उसके बाद चावल को भिगा के पीस के उससे पैर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये है चावल का घोल। दोस्तों, अपन भी हमारे डल चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए सूखने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर तुलसी तक जा रहे हैं। अब बाहर बच्चों का शोर और ऊपर बन रही है माला। आम के पत्ते और गेंदे के फूल की बनती है। आम के पत्ते तो अभी मिले नहीं, पहले तो हमारे पेड़ थे, तो अभी अशोका के पत्ते लाए हैं और गेंदे के फूल के साथ माला बना रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, माला तैयार हो रही है। तो आधे घंटे में लगभग पूरी माला तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं चादर भी बिछा देता हूँ। आज मैंने चादर सोचा चेंज कर लूँ, तो अभी इसी को बिछा देता हूँ, तो शाम तक गंदी तो ऐसे होगी नहीं। तो दोस्तों, फाइनली चादर चेंज कर दी। मेरे को काफ़ी आफत आती है इसको चेंज करने में, क्योंकि उसको पूरा ढंग से पहले सिस्टमेटिक ढंग से करो, फिर अंदर डालो, मैं थक जाता हूँ। तो बस अब थोड़ा और ऑफिस का काम करते हैं, फिर शाम को फ्री होते हैं, तो फिर आपको दिवाली की मस्ती दिखाते हैं। क्या चाय कौन बना रहा है? मम्मी बना दी। मम्मी ने आप भी पियोगे? One pair of pants later. तो दोस्तों, काम से थोड़ा फ्री हुए हैं और अभी मैंने सोचा सब्जी बना लूं। ये देखिए, सब्जी काट ली है और गाजर धो दिए, बीन्स धो दिए। अभी मैं आलू को धो रहा हूँ, आलू धो लेता हूँ। आलू धोने के बाद फिर गोभी धो के फिर एक बढ़िया से मिक्स वेज बनाते हैं आज दिवाली के लिए। तो दोस्तों देखिए, पूरी सब्जी धो के यहाँ पे रख दी है। अभी थोड़ा सा इनमें से पानी निकलेगा, फिर इनको एक एक करके चढ़ाएंगे। और ये हरा धनिया, इसको भी धो के लास्ट में गार्निश करेंगे इसके साथ। तो दोस्तों, पहले मैं कर रहा हूँ सब्जियों को हल्का हल्का फ्राई। पहले गाजर डाल दी, गाजर, आलू और गोभी को कर दूँगा क्योंकि इसमें मिक्स बीन्स और वो, इसको ज़्यादा नहीं करूँगा, इसको थोड़ा बहुत करूँगा। और फिर टमाटर को भी कर दूँगा अच्छे से, थोड़ा काट के, छोटे छोटे प्यारे प्यारे टमाटर हैं, उनके अंदर से जो बीज है उसको निकाल के।
फिर उसको थोड़ा बहुत कर दूँगा, ज़्यादा नहीं, उसको चार दो तीन मिनट ही रखना टमाटर को, तो ज़्यादा देर नहीं रखना, मुझे थोड़ा सा कच्चापन चले जाए फिर उसको निकाल दूँगा। दोस्तों गाजर मैंने निकाल दिया कच्ची, और आलू भी लगभग हमारे भूनने वाले हैं, मतलब हो ही गए हैं, दो चार मिनट और रखूँगा और फिर निकाल लूँगा। दोस्तों आलू भी फ्राई करके हमने निकाल लिए, और हमें बारीक गोभी की हल्की हल्की जल भी गई है, तो ये इसके भी महक बहुत अच्छी आती है, हल्की सी भुटन भुटन जैसी, तो बस यही फाइनल है इसको करने के बाद। हल्का सा इसको थोड़ा बहुत हल्का सा पानी डाल के मैं इसको बॉयल जैसा करूँगा, बॉयल भी या फ्राई भी जैसे कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम बनाएंगे इस बड़ी कढ़ाई में अपनी सब्जी, सबको मिक्स करके, क्योंकि प्याज डालना नहीं है, तो टमाटर को बारीक बारीक काटेंगे और फिर बनाएंगे। और फाइनल बारी है हमारी शिमला मिर्च और बीन्स की, तो हल्का सा देखिए मैंने यहाँ पे पानी डाला है, और इसमें पानी थोड़ा सूखता भी रहेगा और ये हल्के हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब आधे पक जाएंगे। तो दोस्तों अब है फाइनल टच, थोड़े से टमाटर फ्राई कर रहा हूँ, फिर बाकी देखिए सब्जियाँ लगभग मैंने सारी फ्राई कर दी है, इसको पानी में किया है थोड़ा, और इनमें थोड़ा थोड़ा ऑयल यूज़ किया पूरा, क्योंकि देखिए पानी में किया है तो हल्की बहुत कढ़ाई जल्दी हुई है। सही, मैंने लास्ट टाइम अभी मैंने घी और ऑयल मिक्स किया है, मतलब चार चम्मच इसमें तेल होगा और दो बड़े चम्मच घी के। तो देखिए दोस्तों बढ़िया सा मसाला पक रहा है, इसमें सब चीज़ डाल दी है, मतलब मसाले में क्या डाला है मैंने, ज़्यादा ऐसे तो कुछ डाला नहीं, हल्दी, धनिया, नमक, हींग, जीरा, ये देखिए बढ़िया सा पहले मसाले को थोड़ा पका लेते हैं, क्योंकि सब्जी हमारी लगभग पकी हुई है, तो मसाले को थोड़ा सा पका लेते हैं जिसमें, वरना कच्चापन रह जाता है। तो दोस्तों फाइनली सब्जी बनके हो चुकी है तैयार, ये देखिए, और नमक टेस्ट ठीक हो रहा है, मतलब मैंने बच्चों को टेस्ट कराया तो ठीक है, तो अब इसमें और कुछ ज़्यादा नमक नहीं डालते हैं। One pair of pants later. दोस्तों बच्चे तैयार हो के आ गए, ये ज्योति सिंह। तो दोस्तों मैं भी अब तैयार होता हूँ और फिर तैयार होके आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों तैयार हो चुके हैं हम, और ये मैंने पहन लिया है गेटअप, तो उम्मीद है मैं ठीक लग रहा हूँगा, और बाकी पूजा स्टार्ट हो गई है, चलो मंदिर में चलते हैं और पूजा करते हैं, उसके बाद सब एक दूसरे के वहाँ जाएंगे, उसका पटाखे फोड़ेंगे, अच्छा खाना आएंगे और इंजॉय करेंगे। तो सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेजस्वय नमो सत्याय नमो मध्ये मध्ये विघ्न विनाशाय नमो सर्व शक्तिमान कमलाय नमः ध्यानाद्रपुरी दे ओम एक दंत सूर्पगण गजभद्र चतुर्भुज पादाकुतर देव ध्याये सिद्धि विनायक नमो नमः उमा मद संभव इमां मयां कृत्वा पूज्यां गृणां सुर सतम समझ जाओ एक आसन फूल हुआ ओ नादा रत्नम समायुक्तम मुक्ता हार विभूषितम सुवर्ण सिंहासनम चारूप्रत्यम प्रतिगता पाद्यम एक जल आत्मन हो तो हाथ लगा दिया था गौरी प्रियम नमस्ते सुशंकर प्रिय सर्वदा भक्त्या पाद्यम मया दत्तम ग्रहाम प्रणाम पति हवामहे गौम हवामहे प्रियतम प्रियतम गौम हवामहे जिनातोरम निधि पति गौम हवामहे हवामहे वोषणम आहाजमंजना गणा मंगलम दीपम कृता समन्वित दीपम ज्ञान देव रुद्रभ्यो नमस्ते तो नैवेद्य नैवेद्य चढ़ा दी सुगंधाद खंडा सुगृत शैव मोदक पाचित हम नैवे फल ओ नैवेद्यम फलम दत्तम दृढ़ता ओ नैवेद्य आत्मस ओ नैवेद्यम आत्मस तदा ओम सिद्धि विनायक नमः शरण दृष्ट्वा गणेश जी का ध्यान करें जब करे साध रहे ओ सिद्धि विनायक नमः सिद्धि विनायक नमः सिद्धि विनायक नमः आदित्यम भागवती दलानित चूर्णम संयुक्तम तांबुलम प्रतिगता चढ़ा दी फिर फल फिर चढ़ा दी फल हम
Yeah.